साल 2023 पाकिस्तान की फजाई हदूद के इस्तेमाल में फाल साबित हुआ। किसी भी मुल्क में फजाई ऑपरेशन की कारकर्दगी उस मुल्क की तरक्की में अहमियत की हामिल होती है। दुनिया भर से फजाई सफर के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद के इस्तेमाल का अमल मुनाफा बख्श साबित हुआ और कराची एरिया कंट्रोल ने 2.5 लाख से जायद ओवर फ्लाइंग करने वाले जहाजों की रहनुमाई। इसमें कोई शक नहीं कि मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक अहम किरदार अदा करता है। साल 2023 में कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 2.5 लाख से जायद ओवर फ्लाइंग करने वाले जहाजों की रहनुमाई की, जिसकी मद में सिविल एविएशन अथॉरिटी को $200 मिलियन का रेवेन्यू हासिल हुआ। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एयरलाइन इंडस्ट्री से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके मुताबिक आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री ने 2023 में $23 अरब से जायद का खालिस मुनाफा कमाया, जिसमें 2.6% इजाफा रैकेट किया गया और उम्मीद की जाती है कि आइंदा साल 2024 में एयरलाइन इंडस्ट्री का खालिस मुनाफा $25 अरब से तजावुज कर सकता है।